राजेश कुमार जिन्हें हम फैटेक्स के नाम से जानते हैं, ये वो सितारे हैं जिसने सिर्फ 20 साल की उम्र में टॉप 10 इंडियन यूट्यूबर्स के लिस्ट में अपनी जगह बनाई। राजेश कुमार यूट्यूब पर छाए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम फैटेक्स की पूरी कहानी जानेंगे कि वो राजेश कुमार से फैटेक्स कैसे बने। ये वीडियो मोटिवेशनल होगी तो वीडियो को पूरा देखिए। राजेश कुमार का जन्म 1 अप्रैल 2000 को हुआ। उनके परिवार में माँ, पिताजी और एक छोटी बहन है जिसका नाम है दीपिका कुमारी। राजेश कुमार को बचपन से साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते थे। इस बात को दिमाग में रखते हुए राजेश कुमार ने 24 जुलाई 2016 को एक यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज बनाया। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उन्होंने चैनल पर पहला वीडियो 18 सितंबर 2016 को अपलोड किया। फिर उन्होंने लगातार मिस्टीरियस टॉपिक्स जैसे कि ब्लैक होल, टाइम ट्रैवलिंग पर वीडियोस बनाते गए, जिससे उनका चैनल एक अलग लेवल पर पहुंच गया। उस वक्त 2016 में कोई भी फैटेक्स की तरह वीडियोस नहीं बनाता था, इसलिए लोगों को उनकी वीडियोस पसंद आने लगी। इसके बाद वो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते ही चले गए। फिर उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाने लगी, जिससे उनके चैनल की ग्रोथ और ज्यादा होने लगी। दूसरी वजह की लोगों को उनकी वीडियोस पसंद आ रही थी वो है कि उनके बोलने का अंदाज बहुत कूल था, और वो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते थे जैसे कि सोनी वेगास प्रो, वीडियो स्क्राइब, कैमटेशिया 9। धीरे धीरे वो पहले इंडियन यूट्यूबर बन गए जिसने एक साल यानी 365 दिनों के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। रिकॉर्ड्स बनते ही है टूटने के लिए, पता नहीं शायद आगे कोई और उनका रिकॉर्ड तोड़ दे, पर फिलहाल वो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। फैक्टेक्स यूट्यूब चैनल 7वां नॉन कॉर्पोरेट इंडियन यूट्यूब चैनल है जिस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द कंप्लीट हो गए। राजेश कुमार के चैनल ने सिर्फ 2 साल 11 महीने और 23 दिनों के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक फैक्टेक्स यूट्यूब चैनल पर 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और अभी तक 280 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज फैक्टेक्स यूट्यूब चैनल के कई वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पर शो करते हैं। लोगों ने उनके वीडियोस पर बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए, जिस वजह से वो बहुत मोटिवेटेड थे। राजेश कुमार ने साइंटिफिक वीडियोस के साथ मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उनके मिस्टीरियस वीडियोस सुपरहिट साबित हुए, जिसमें वो भूत, एलियंस, टाइम ट्रैवल जैसी चीजों पर एनालिसिस करते थे, यानी कि ये सच है या झूठ इस बारे में कंपैरिजन करते थे। आज उनके पास खुद का ऐप है, खुद की वेबसाइट है, फैक्टेक्स की बड़ी टीम है, 13 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल है। कुछ दिनों से ये बात फैली हुई है कि राजेश कुमार एबीपी न्यूज चैनल पर आए, बट मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज बिल्कुल फेक है। पर जिस हिसाब से फैक्टेक्स ग्रो हो रहा है, वो जल्द ही न्यूज चैनल पर आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा सोचिए, जब राजेश कुमार ने फैक्टेक्स यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब क्या उन्हें पता था कि वो इस लेवल पर पहुंचेंगे? जरा सोचिए, जब उन्होंने काम शुरू किया तब उन्हें पता नहीं था कि वो इतने कामयाब हो गए, इसलिए वो वीडियोस बनाते गए, कंटिन्यू बनाते गए बिना रुके। इसी तरह अगर आप किसी काम को जी जान लगाकर कर रहे हो तो प्लीज उस काम को मत रोकिए। सबका टाइम आता है, एक ना एक बार हम जरूर ग्रो हो जाएंगे, मतलब एक ना एक बार हम जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो प्लीज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी डिमोटिवेट मत होना। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। आपको मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा, मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, और मुझे नीचे ये भी कमेंट करके बताइए कि मुझे और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और बायोग्राफीज बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसे मोटिवेशन की जरूरत है, तो प्लीज उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे जाने का टाइम आ चुका है, बट डोंट वरी, मेरे चैनल पर ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस हैं, तो जाइए उन वीडियोस को देखिए और एंजॉय कीजिए। सून आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो।